फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स 19 तारीख से डीडीए की स्टार्ट होने वाली हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड काफ़ी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे डाउट्स हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहला डाउट, बहुत लोगों को यह डाउट है कि क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये डाउट बिल्कुल जेन्युइन है। फ्रेंड्स ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। फ्रेंड्स यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं उनकी कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पे एप्लीकेंट्स की जो कैटेगरी है वह ईडब्ल्यूएस नहीं रहे, ठीक है। एप्लीकेंट्स की कैटेगरी ईडब्ल्यूएस नहीं है, सिर्फ फ्लैट की कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया मांगा गया है, सिर्फ एक क्राइटेरिया आप फुलफिल करते होंगे तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो, आप इसमें फ्लैट बुक कर सकते हैं। वह क्राइटेरिया है इनकम का क्राइटेरिया। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम का क्राइटेरिया, यदि आपकी फैमिली इनकम ईयरली 10 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। फ्रेंड्स आप ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस ध्यान रखना कि आपकी फैमिली इनकम 10 लाख से कम हो एक साल की। फ्रेंड्स दूसरा डाउट, फैमिली इनकम से मतलब क्या है? फैमिली इनकम से मतलब है कि यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी और आपके वाइफ की इनकम जो है टोटल एक साल की 10 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपकी इनकम 9,50,000 है, आपकी वाइफ की इनकम कुछ भी नहीं है, तब भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। पहले ये जो लिमिट होती थी 3 लाख होती थी, जिसको कि डीडीए ने 2023 में अमेंड कर दिया था और ये लिमिट को 10 लाख कर दिया था। मतलब इंडिविजुअल इनकम भी 10 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, और फैमिली इनकम तो 10 लाख से कम होनी ही चाहिए, ठीक है। यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके मदर फादर और आपकी इनकम क्लब हो जाएगी और यह इन तीनों की इनकम जो है आपकी फैमिली इनकम कहलाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हमने समझ लिया फैमिली इनकम की डेफिनेशन। अब बात आती है कि डीडीओ कैसे पता चलेगा कि हमारी फैमिली इनकम इतनी है। भाई मेरे तो 15 लाख रुपए है, डीडीओ कैसे पता चल जाएगा? फ्रेंड्स डीडीओ को ऐसे पता चलेगा कि डीडीए आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा, तो डीडीओ को पता चल जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी किसी अदर कैटेगरी के फ्लैट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला डाउट काफ़ी लोगों का है कि भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट के लिए अप्लाई करेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए? बात जाहिर है फ्लैट की कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, लेकिन यहाँ पे हमें इनकम सर्टिफिकेट देना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं देना। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो नौकरी वगैरह के आरक्षण के लिए हम देते हैं या फिर स्कूल में एडमिशन वगैरह के लिए, कॉलेज में एडमिशन वगैरह के लिए देते हैं। यहाँ पे डीडीए केस में आपको सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। बट कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो कि इनकम सर्टिफिकेट इशू नहीं करते, जैसे कि राजस्थान, तो वहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट ही देना है, लेकिन राजस्थान के केस में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा क्योंकि राजस्थान में इशू नहीं किया जाता इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। फ्रेंड्स अगला डाउट है कि इनकम सर्टिफिकेट देना कब है? फ्रेंड्स जब आप फ्लैट की बुकिंग कराएंगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप फ्लैट की पेमेंट कर देंगे, पूरी पेमेंट कर देंगे, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे आपको ऑनलाइन। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय यदि आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फ्लैट बुक किया है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ध्यान रहे जब आप पेमेंट कर देंगे तो उस समय आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड्स बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि डीडीए के फ्लैट्स जो होते हैं 99 ईयर्स की लीज पे होते हैं, तो 99 ईयर्स के बाद क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये फ्लैट्स जो हैं फ्री होल्ड फ्लैट्स हैं, इसमें किसी भी तरह की 99 ईयर्स की या किसी भी टाइम पीरियड की कोई लीज नहीं रहेगी, फ्री होल्ड फ्लैट्स होंगे, ठीक है। फ्रेंड्स बहुत से लोगों का क्वेश्चन यह है कि क्या मैं अपनी वाइफ के नाम से फ्लैट ले सकता हूँ? जी हाँ फ्रेंड्स ले सकते हैं, लेकिन वाइफ का पैन नंबर होना चाहिए, बिना पैन नंबर के आप वाइफ के नाम पे फ्लैट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि मैंने प्रीवियस स्कीम में फ्लैट लिया था,
जैसे DDA की पिछली स्कीम आई थी 2023 की, 2022 की, 2021 की, मैंने दो EWS फ्लैट ले लिए हैं या फिर एक EWS फ्लैट लिया है, तो क्या दोबारा मैं इस स्कीम में अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ फ्रेंड्स, आप अप्लाई कर सकते हैं और आप दोबारा से भी EWS फ्लैट ले सकते हैं। DDA ने जो ये क्राइटेरिया था इसको हटा दिया था 2023 में, तो आप नंबर ऑफ फ्लैट्स बुक कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बार में दो फ्लैट्स भी बुक कर सकते हैं, मतलब इस स्कीम में। एक बार से मेरा मतलब है, एक बार बुकिंग जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक फ्लैट की बुकिंग जब आप कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद ही दूसरी फ्लैट को आप पिक कर सकते हैं या फिर बुकिंग के लिए चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार में आप एक ही फ्लैट को बुक कर पाएंगे, ठीक है। एक बुक कर लिया, फिर दोबारा आपका मन किया दोबारा कर लो, तीसरी बार कर लिया तीसरा फ्लैट बुक कर दो। हर बुकिंग पे आपको 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। यदि आपका EWS फ्लैट हो तो, LIG है तो 1,00,000 रुपये देने पड़ेंगे, MIG है तो 4,00,000 रुपये देने पड़ेंगे, HIG है तो 10,00,000 रुपये आपको बुकिंग अमाउंट है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ई ऑक्शन में तो अलग ही वो रहेगा, उसमें तो EMD अमाउंट अगर आपको पे करना पड़ेगा, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल होता है यदि आप H1 बिडर नहीं होते तो। तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि DDO को पेमेंट करनी कब होगी? फ्रेंड्स जब फ्लैट की बुकिंग करेंगे, बुकिंग अमाउंट पे कर देंगे, तो एक या दो दिन में आपका डिमांड लेटर आ जाएगा। डिमांड लेटर आने के बाद जिस दिन आपका डिमांड लेटर आएगा उस दिन से आपको 60 दिन का टाइम मिलेगा। आपको 60 दिन के अंदर अंदर DDO को पेमेंट करनी होगी, चाहे आप लोन लेके दें या फिर अपनी जेब से दें, मतलब आपको 60 दिन के अंदर अंदर DDO को पेमेंट कर देनी होगी। यदि आप 60 दिन तक पेमेंट नहीं करते तो अगले 30 दिन तक जो आपको पेमेंट करनी होगी ना, उसमें DDO आपसे इंटरेस्ट लेगा। यदि आपका फ्लैट 10 लाख का है तो 10,000 के आसपास आपका इंटरेस्ट अमाउंट बन जाएगा। तो कहने का मतलब कि टोटल डेज जो हैं आपको 90 डेज दिए जाएंगे, 60 दिन बिना इंटरेस्ट के, अगले 30 दिन इंटरेस्ट के साथ। यदि आप 90 डेज में DDO को पेमेंट नहीं करते तो आपका जो बुकिंग अमाउंट है वो DDO फोरफिट कर लेगा और आपका जो फ्लैट की बुकिंग जो आपने किया है उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ये इंश्योर करके चलिएगा कि आपके पास पैसे हों या फिर पैसे का अरेंजमेंट हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये है कि भाई हमने DDA दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था 2,500 रुपये पे करके, तो क्या वही रजिस्ट्रेशन चल जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद तो है कि वही रजिस्ट्रेशन चल जाएगा, इसमें DDA को आपको दोबारा से पेमेंट करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक DDA का ब्रोशर नहीं आता इस चीज़ को मैं 100% कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन 99% आपका वही रजिस्ट्रेशन चलेगा। लेकिन 1% हो सकता है DDA दोबारा से रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपसे मांगे, तो DDA का ब्रोशर आ जाने दीजिए, पता चल जाएगा। इसके अलावा काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इन फ्लैट्स पर लोन हो जाएगा? अरे आराम से हो जाएगा, फ्री होल्ड फ्लैट्स हैं, DDA की प्रॉपर्टी है, आराम से लोन होगा, ठीक है। आप अपने बैंक से बात कर लीजिएगा, आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन बैंक की जो बैंक का जो क्राइटेरिया होगा वो तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्लैट बुक करते समय आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। क्या सावधानियां है ये जान लेते हैं फ्रेंड्स। आप कोशिश करना कि जिसके नाम से आप फ्लैट बुक कर रहे हैं उसके अकाउंट से ही पेमेंट करना, ठीक है। यदि आप अपने नाम से कर रहे हैं तो अपने अकाउंट से ही पेमेंट करना, यदि वाइफ के नाम से कर रहे हैं तो कोशिश करना कि वाइफ के अकाउंट से पेमेंट करना, नहीं तो आप अपने अकाउंट से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप ब्लड रिलेशन में पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड से बोलेंगे भाई मेरा फ्लैट बुक हो रहा है तो अपना डेबिट कार्ड का नंबर दे दे, मैं कर देता हूँ, बाद में तेरे को पैसे दे दूँगा। नहीं, आपको फ्लैट की बुकिंग और जो पेमेंट फ्लैट की करेंगे वो आप अपने अकाउंट से ही करेंगे, ठीक है। अपने अकाउंट, वाइफ के अकाउंट, फादर के अकाउंट या फिर मदर के अकाउंट। ये नहीं है कि अपने ससुराल में से किसी से ले लें पैसे या फिर किसी पड़ोसी से ले लें या फिर किसी दोस्त से ले लें, ऐसा मत करना। क्योंकि पेमेंट तो आप कर दोगे, लेकिन जब आप पोजेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे ना तो वहाँ पे DDA आपको डिस्क्रिपेंसी देता रहेगा। तो ध्यान रखें कि जो पेमेंट आप करेंगे, चाहे वो बुकिंग अमाउंट हो या फिर मार्जिन अमाउंट हो, आप कोशिश करना अपने अकाउंट से करना या फिर ब्लड रिलेशन में ही करना, ठीक है। दूसरी चीज़, आप ये इंश्योर करके चलना कि आपकी पेमेंट 2 महीने के अंदर अंदर हो जाए, नहीं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और यदि आप पेमेंट 90 दिन में भी नहीं कर पाते तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंश्योर करके चलना। दूसरी चीज़, आप ये भी इंश्योर कर लेना कि आपका जो
इनकम सर्टिफिकेट है वो लिमिटेड टाइम पीरियड में बन जाए, आप चाहें तो अभी भी बनवा सकते हैं, 6 महीने के लिए वैलिड होता है दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट। अब अदर स्टेट का क्या है वो आप अपना पता कर लेना कि कितने महीने के लिए वैलिड होता है। तो ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान से ये सब चीज़ें कंसिडर करके चलना। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, आप फ्लैट बुक करने से पहले वो फ्लैट देख के ज़रूर आना, फ्लैट ज़रूर देख के आना, नहीं तो आपको मैं बता देता हूँ आप परेशान रहेंगे, परेशान हो सकते हैं। क्योंकि डीडीए के बहुत से ऐसे फ्लैट्स जो इस स्कीम में डीडीए डालने वाले हैं पिछले 10 साल से बिक नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप फ्लैट्स को देख के ज़रूर आना। ठीक है, कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बोले आप ज़्यादा ध्यान मत देना, या फिर कोई भी कुछ भी कहे, आपको खुद फैसला लेना है, फ्लैट ज़रूर देख के आना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स और कुछ क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश की। अब ऐसा लगता तो नहीं कि कोई क्वेश्चन रह जाएंगे या फिर कोई डाउट्स रह गया हो, यदि रह भी गया होगा तो कमेंट बॉक्स है ना, रिप्लाई मैं कर ही देता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।